हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आशा सैनिक के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CGL टीयर 1 का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं SSC टीयर 1 का रिजल्ट, आपको जो एडमिट कार्ड है कैसे चेक करना है, इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको SSC की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर SSC.NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, जहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आने के बाद मोबाइल से यदि आप चेक कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको क्लिक करना है और अपने ब्राउजर को आपको डेस्कटॉप सेट में ओपन कर लेना है आपकी, ताकि आपके सारे ऑप्शन बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर में ही, आपको एडमिट कार्ड 2023 का, ठीक है, एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस रीजन से आपने अप्लाई किया है उस रीजन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ नॉर्थ रीजन का, जो कि लास्ट में देखने को मिल जाता है। तो आपका रीजन के ऊपर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो मैं नॉर्थ रीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर नॉर्थ रीजन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे निकालना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है ऑर्बिट का। तो यहाँ पर भी फिर से आपको यहाँ पर 3 डॉट के बटन पर क्लिक करके आपको इसको डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस सेक्शन देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड का, सिंपली आपको एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यदि आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड योर एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, तो डाउनलोड योर एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको डायरेक्ट लिंक वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर दे सकते हैं Tier 1 एडमिट कार्ड फॉर कम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2023 Tier 1, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड का जो डायरेक्ट लिंक है ये ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर एग्री का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें एग्री करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो डायरेक्ट लिंक का जो लिंक पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप तीन तरीके से अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो है नॉर्थ रीजन के जो भी कैंडिडेट हैं, आप किसी भी जो है वैकेंसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेम तरीका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपको यहाँ पर दे सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पिताजी का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड का जो सेक्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका रोल नंबर के माध्यम से, यदि आपका रोल नंबर आपके पास आ चुका है तो रोल नंबर डालेंगे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है यदि आपके पास रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आपका नेम डाल लेना है, लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, नेम से भी निकाल सकते हैं आपका नेम, आपकी पिताजी का फुल नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना कि अपने फॉर्म में जैसा लिखा था नेम उसको आपको उसी तरह का नेम आपको यहाँ पर डालना है, अदरवाइज इसकी जो डिटेल्स है आपको रॉन्ग बताएगा। पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखते पहला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन दिया है, इसमें आपको ईयर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कोई सा भी यहाँ पर ईयर्स आपका जो भी ईयर्स है सेलेक्ट करेंगे। बीच वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी है महीना है, आपका महीना आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लास्ट वाले में आपको यहाँ पर डे सेलेक्ट आपको महीना सेलेक्ट करना होगा, इसमें उल्टा सुलटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले इस सेक्शन से आपको यहाँ पर स्टार्टिंग कर ली है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको महीना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, एग्जांपल के तौर पर हम जनवरी यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। महीने सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसमें आपको यहाँ पर डे देखने को मिल जाता है, आपका डे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको यहाँ पर अपना ईयर्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो फॉर्म की डिटेल्स है, आपके एप्लीकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड फॉर कम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2023 Tier 1 का देखने को मिल जाता है। आपकी जनरल डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, आपका रोल नंबर यहाँ पर आ जाएगा और आपका यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम डेट कब होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं 21/7/2023 यानी कि 14 जुलाई से आपके यहाँ पर जो है फॉर्म फ्रेंड्स आपके एग्जाम शुरू है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एग्जाम डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके
बाद यहाँ पर देखते हैं जोधपुर का सेंटर देखने को मिलेगा, शिफ्ट कौन सी अब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस डाउनलोड स्टेटस में आपको यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको डेट मेंशन कर दी जाएगी कि इस दिन आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक के टू डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2023 टीयर वन, ठीक है। और इसका डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कोने में, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं टू प्रिंट दिस पेज का। यहाँ पर क्लिक करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर जाना होगा। तो एग्जाम सेंटर पर एक तो आपका यहाँ पर जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर जाना होगा, एक ओरिजिनल आईडी ले जाएंगे जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस या फिर टेंथ की मार्कशीट, इस तरह से यहाँ पर ले जा सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो ले जाना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके आधार कार्ड में आपकी डेट, मंथ, ईयर्स, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। तो ये जरूरी दो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक फ़ोटो भी आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा, ठीक है। दो फोटो आपको यहाँ पर साथ में लेकर जाएंगे, एक एडमिट कार्ड, एक ओरिजिनल आईडी। और यहाँ पर लास्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है जिसमें आपका यहाँ पर आपका फुल नेम डालना है, आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर आपका रोल आपका जो फुल नेम है यहाँ पर डालना है, रोल नंबर यहाँ पर डालना है, एग्जाम कौन सा है यहाँ पर सीजीएल टीयर वन आपको डाल देना है, एग्जाम डेट, शिफ्ट, वेन्यू नेम क्या है, ठीक है, यानी कि एग्जाम सेंटर क्या है। और इसके बाद आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्कूल का नाम हिंदी या इंग्लिश दोनों में यहाँ पर दिया गया है, कोई कौन सी भी भाषा का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एसएससी सीजीएल टीयर वन का रिजल्ट आप सो फ्रेंड्स आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्थ रीजन का यहाँ पर आ चुका है जिसमें राजस्थान, दिल्ली वगैरह ये स्टेट आते हैं, ठीक है। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे द्वारा भी यहाँ पर डाउनलोड करवा सकते हैं। आपको जो है अपनी डिटेल्स यहाँ पर शेयर कर लेना है। यदि मेरे द्वारा चेक करवाना चाहते हैं तो मैसेज जरूर कीजिएगा, कैसे क्या करना है, डिटेल कैसे सेंड करना है उसकी जानकारी मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको एसएससी के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।